हेलो एवरीवन वेलकम अगेन वेलकम टू तो हाउ द जोश हाई सर यस ऐसे ही हमें निरंतर लगातार और कॉन्टिन्यूसली की तैयारी करनी है इस निरंतर पेज से आप लोग लगे हुए हैं ना मुझे यकीन है बट जो बच्चे लगे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ उन छात्र छात्राओं की बात कर रहा हूँ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो लगातार तैयारी कर रहे हैं फोकस कर रहे हैं वो उस समय का वेट नहीं कर रहे उन्होंने के मुहूर्त नहीं निकलवाया क्योंकि पढ़ाई करने का बेटा कोई मुहूर्त नहीं होता ठीक है वो सिर्फ उस चीज को फोकस कर रहे हैं कि हमें सी सेट में नहीं रहना हम जी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है और पढ़नी भी चाहिए ज्यादा टाइम उस पर लगाना भी चाहिए बट हम कन्नी सर जो बता रहे हैं अभी आई पे उसको भी सीरियसली ले रहे हैं इस बात को कि हमें सी सेट अच्छे से करना है अच्छे से पकड़ना है क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे उन बच्चों से जो बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी कईयों को ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस हो चुका है वो एक डेढ़ महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हाफ से ज्यादा हो चुका है एक्चुअली बट आप लोग कब करेंगे कैसे करेंगे आई डोंट नो क्योंकि मुझे उस एक एक बच्चे की चिंता है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो मेरे साथ निरंतर है जो मेरे साथ रेगुलर है बट मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए जब तक वो बच्चा खुद नहीं करना चाह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता

मिनिमम नाइनटी हंड्रेड परसेंट सॉरी परसेंट नौ नब्बे सौ नंबर लेके आ सकते हैं बिना अपने जीएस की किसी भी तैयारी को छेड़े कैसे हाउ मैं पहले इस कोर्स के बारे में बताऊँ फिर मैं एक ही चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा देखिए सबसे पहले क्या है ये कोर्स हो चुका है शुरू भाई इसकी टाइमिंग है मेरी तीन बजे से साढ़े चार ठीक है उसके बाद क्या है ये बैच क्या है मेरे पास फोर डेज अभी यानी हफ्ते में चार दिन ये बैच चल रहा है हफ्ते में चार दिन ये बैच चल रहा है मेरे पास 180 180 आपके पास टोटल लेक्चर कितने वन एट्टी प्लस एक सौ अस्सी से ज्यादा लेक्चर थे आपके पास इसमें वन एट्टी प्लस बोला मैंने अब क्या ये वन एट्टी प्लस लेक्चर कैसे एक्चुअली ये जो बैच है ना ये आपका है ऑनलाइन ऑफलाइन ये आपका है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मतलब क्या हो इस बात का कि या तो आप ऑनलाइन घर बैठे लगा सकते हैं या आप हमारे हेड सेंटर आके फिजिकली भी इसको अप्रोच कर सकते हैं ले सकते हैं क्लियर ऑनलाइन रखने का सिर्फ यही एक है कि जो दूर दराज बच्चा बैठा है जहाँ पे अभिमन्यु आई का सेंटर नहीं है वो वहाँ से भी इसको फेल कर सके और फ़ायदा उठा सके क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बच्चों का सीसेट क्लियर है लास्ट ईयर में क्लियर मेहनत इसी हिसाब से करवाते हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ नब्बे लेक्चर क्या मिलने वाले पचास इसमें क्वांट इस के लेक्चर मिलेंगे पच्चीस इसमें लॉजिकल के मिलेंगे और पंद्रह आपको इसमें इंग्लिश के लेक्चर मिले वाले तो टोटल नब्बे लेक्चर मिलेंगे आपको क्लियर

और ये नब्बे लेक्चर तो आपको मिल ही रहे हैं ये नब्बे जाएंगे आपके पास तो ये तो रही बैच की बात ठीक है भाई। पांच बजे तक, तक गप्पे छपे होती हैं आपकी टेंशनें दूर होती हैं कैसे दूर होती है आप कहोगे सर एक एक मिनट हमें क्या नाम है बचाना है और आप यहां पे गप्पों की बात कर भाई पहले पूरी बात सुन तो लो गप्पे छपे कैसे मारते हैं देखो जो तो आपको एक देखो सबसे पहली बात आपका वीकली टेस्ट होता है जो मैंने पूरे वीक में करवाया है जो मैंने पूरे हफ्ते में करवाया है उसका एक टेस्ट होगा हर संडे को आपका आई मीन का एक बजे ठीक है नेक्स्ट बात वीकली जो आपकी डेली की क्लास होगी डेली की क्लास का मतलब जितने भी शेड्यूल की गई क्लास उसमें आपको तीन बड़ी बड़ी बेहतरीन चीजें मिल रही एक दो और तीन ठीक है नंबर एक पे क्या मिल रहा है आपको अगर मैं डेली की बात करूं डेली टेस्ट रूटीन में सॉरी डेली जो क्लासेस लग रही हैं सबसे पहले क्लास पीडीएफ <coughs> क्लास पीडीएफ ये क्लास पीडीएफ क्या है भाई जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाने हैं ऑनलाइन बच्चों के लिए वो फैसिलिटी पहले अवेलेबल है कि वो पीडीएफ के तौर पर अपने पास रख लो अगर लिखने में टाइम वेस्ता हूँ रख सकते हैं अपने पास ठीक है नंबर टू रिसोर्स चार्ट

पूछ सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कमेंट का आपके पास ऑप्शन है और जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो तो पूछ सकते क्लियर तो अगर कोई भी डाउट हो नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन फाइव वन इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट्स बुक कर लो बिकॉज अभी तैयारी शुरू करोगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी मैं तो बता रहा हूँ क्लियर दूसरी चीज क्या आपके पास दूसरी चीज है मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर कोई भी अगर मेरा मैंने कोई प्रैक्टिस शीट अपलोड करनी है कुछ भी करना है तो वो बेटा इसी में जाएगी क्लियर तो प्लीज 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 अवेल दिस ऑफर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में में मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन ही आपको लिंक मिलने वाला आज हमने करने हैं ट्रेन से रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चन जो काफी अल्टीमेट क्वेश्चन है काफी मुश्किल टाइप के क्वेश्चन है उन पांच क्वेश्चन को आज हम करने वाले चलिए बेटा <coughs> देखो सारे के सारे पांच के पांच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय टू ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 350 फिफ्टी किलोमीटर इज टू आवर 20 मिनट्स मतलब आपके पास क्या है कोई ट्रेन गई टी वन जिसने टाइम टी वन लिया और कोई ट्रेन टू गई जिसने टाइम टी टू लिया इनका डिफरेंस कितना है दो घंटे 20 मिनट यानी 20 बटा साठ यानी एक बटा तीन तो क्या बोलूंगा टू प्लस वन तो तीन दूनी छः सात आवर कितने सात बटे तीन घंटे लगे मेरे डिस्टेंस ऑफ थ्री फिफ्टी किलोमीटर इन टू आवर्स इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इज फाइव किलोमीटर पर आवर देखो मैंने माना बड़े वाले स्पीड एक्स थी दूसरे वाले कितने होगी डेफिनेटली एक्स माइनस ठीक है बेटा तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस ऑफ वन स्पीड ऑफ वन माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू अपॉन स्पीड ऑफ टू इक्वल टू कितना मेरा आ गया सात बटे क्लियर अब डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कॉन्सेंट है मेरे पास कितना 350. देखो माइनस करके छोटा हो तो ये बड़ा आएगा एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री फिफ्टी एक्स इज इक्वल सात बटे तीन अब ये वैल्यू क्या दी है मेरे पास बट इज द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन अब फास्टर ट्रेन क्या है मेरे पास एक्स है है ना तो ये सारी एक्स की वैल्यू दी है कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो तो मुझे सेटिस्फाई करवाई, थर्ट्टी लेंगे तो देखो कितना आएगा थ्री फिफ्टी 30 तीस माइनस पाँच पच्चीस मैंने ऑप्शन नंबर बी चूज किया सबसे पहले मैं वही आंसर चूज करूंगा जिसके अंदर में जीरो होगा ऑप्शन चूज करने के बारे में क्लियर तो इस पॉइंट को याद रख लें और इसको लिख लो ठीक है माइनस थ्री फिफ्टी अपॉन थर्टी तो भाई काटिए जरा इसको पच्चीस फोर्टीन टाइम्स किया कितना बचा मेरे पास

चलिए बेटा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ए एम डी एंड किलोमीटर पार्ट आर ट्रेन लीव्स लीव एम डी फॉर डेली टाइम अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर ए एम डी फॉर मीट आफ्टर फाइव आवर्स आफ्टर दे स्टार्टेड मूविंग इफ द फ्रॉम ए एम डी टू डेली ट्रेवल किलोमीटर पर आवर फास्टर दैन द अदर ट्रेन फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में साफ साफ एक बात दी है कि मेरे पास ए एम डी कोई स्टेशन है और दूसरा स्टेशन कौन सा दिल्ली और एक सौ साठ किलोमीटर दूरी में अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चली आ रही है तो मैं क्या बोलूँगा तो मुझे क्या बोलना चाहिए इन दोनों ने मिलकर एक सौ साठ किलोमीटर कवर किया हुआ यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन वन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन टू इज हाउ मच वन सिक्सटी किलोमीटर डिस्टेंस क्या होता है To 160 आएगा। अच्छा द यानी तो मेरे पास पांच है दोनों के लिए क्लियर अगर ये पांच आ गया तो मैं क्या बोलूंगा भाई स्पीड ऑफ वन प्लस क्योंकि दोनों ट्रेनें पांच पांच घंटे चली हैं। तो भाई से काटिए इतना बत्तीस आ गया मेरे पास तो स्पीड ऑफ वन देखो वो दूसरी चीज उसने क्या बोली If the train में ट्रेवल 6 km फास्टर ट्रेन ट्रेवलिंग एम डी से मैंने माना कि इसका अगर दिल्ली वाले की मैक्स मानता हूँ तो ये कितना होगा टू मुझे बताना इसके पॉइंट द स्पीड हो तो फास्टर ट्रेन फास्टर ट्रेन बताना मुझे तो एक्स प्लस सिक्स बताना पड़ेगा मेरे को टू एक्स इजिकल टू बत्तीस माइनस ए यानी कितना छब्बीस तो टू एक्स कितना आ गया तेरह तेरह तो आगे भाई दिल्ली वाले की तो एक्स प्लस सिक्स एक प्लस ये कितना होगा ऑप्शन नंबर ए है किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स जल्दी से कर लीजिए नोट इसको आगे चलेंगे क्वेश्चन पे हम चलिए स्टूडेंट होपफुल क्वेश्चन क्लियर होगा आपको तो उन्नीस मेरा सही क्योंकि फास्टर पूछा स्लोवर पूछा तो तेरह था मेरा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया एक एक एक्सप्रेशन को यूज करके दूसरे में मुझे इसको फुट करना है ऑफ़ ऑफ़ स्पीड टू यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं बोला एक ए है और एक बी है तो फाइव एक्स समय सिक्स सिक्स थी यानी एल वन प्लस L is 660. clear. The ratio of time taken to cross an electric pole by A and B is four ratio three. यारे time ka jo ratio mujhe clear diya hai. Wo kitna hai? Four by ratio three by. ठीक है speed इतना और ये इतना क्योंकि ये कौन सा time है? Time to cross electric pole मतलब अपनी speed अपना distance cross करने के लिए, ठीक है? अब इसको कैसे अप्रोच करूंगा क्वेश्चन के पहले ये देखो। कैसे करोगे आप हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन अगर मैं बात करूं l1 प्लस l2 660 दिए इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं पहले ये सोचने वाली बात है उसके बाद मैं दूसरी बात कर सकता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टू ट्रेन लेंथ ऑफ टू ट्रेन की बात बाद में करेंगे देखो अगर मैं बात करूं स्पीड इनटू टाइम मतलब डिस्टेंस वन कितना होगा मेरा 5x इनटू 4y प्लस ऑफ डिस्टेंस टू कितना होगा एक्स है एट एक्स इन टू कितना बेटा सिक्स सिक्सटी ये कितना होगा ट्वेंटी वाई प्लस ट्वेंटी फोर वाई छः सौ साठी सॉरी एक्स वाई नॉट वाई एक्स वाई एक्स वाई फोर्टी फोर एक्स वाई वाईगल टू ग्यारह चार ग्यारह साठ

एक डेटा को यूज करके दूसरा डेटा मुझे जनरेट करना है मुझे बनाना है क्लियर जल्दी से नोट कीजिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा देखते हैं ट्रेन ए टेक्स फोर्टी फाइव मिनट मोर देन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ फोर फिफ्टी किलोमीटर यानी क्या कह रहा है वो मोर देन टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ़ बी कितना है मेरे पास फोर्टी फाइव बाई सी यानी पंद्रह तीन अच्छा ठीक है ड्यू टू इंजन ट्रबल मतलब यहाँ से पहले इक्वेशन निकालने की कोशिश करूँ मैं देखो फोर फिफ्टी uh, चलो देखते फोर फिफ्टी अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस फोर फिफ्टी अपॉन स्पीड ऑफ बी तो तो कुछ कुछ ऐसा। अगर अगर मैं 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 इक्वेशन इक्वेशन को मेरी मेरी क्या मेरी पहली नहीं बनेगी? अच्छा इसको मैं और कुछ कर सकता हूं, देखो। 150, 150। लिखना अब ये मैंने क्यों किया बताता हूँ थोड़ी देर में आपको ये बन अपनी इक्वेशन मतलब जो स्पीड मेरे पास बी थी वो कितनी होगी थ्री बाय फोर बी क्वार्टर का मतलब वन बाय फोर्थ है ना तो स्पीड ऑफ बी कितनी रहेगी कि मेरे पास अब बी थी वन बाय फोर बी गिर गई यानी थ्री बाय फोर बी बस रहेगी क्लियर तो टेक थर्टी मिनट मोर देन ट्रेन है पहले पैंतालीस मिनट अब क्या हुआ अब तीस मिनट मतलब अब कौन ज्यादा टाइम ले रहे हैं ट्रेन अब ट्रेन बी ज्यादा टाइम ठीक लिखा है मैंने ट्रेन ए माइनस ट्रेन बी इजिकल टू इतना Next case के लिए मैं बात करूंगा थर्टी बाय ठीक है जी यही आना चाहिए बिल्कुल यही आना चाहिए बिकॉज ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ बी फॉर स्पीड ऑफ बी कम होगी इस हिसाब से तीस मिनट ज्यादा ले रही है पहले के इसमें क्या है ट्रेन रे टैक्स बिल्कुल सही है तो ये कितना होगा भाई डिस्टेंस कितना है अपने साढ़े चार सौ स्पीड ऑफ बी कितनी होगी थ्री बाय फोर बी माइनस फोर फिफ्टी पॉन्स ऑफ हमें कोई चेंज ही नहीं है बराबर एक बटा दो तो। ये कितना होगा एक सौ पचास ऐसे इसको मैं छेड़ू के ना छेड़ू तो इसको हम नहीं छेड़ते तो ये कितना होगा फोर बाय थ्री बी माइनस ऑफ वन बाय स्पीड ऑफ ए एन स्पीड ऑफ बी वन बाई नाइन हंड्रेड ये फोर फिफ्टी कॉमन ले आके आटर में ले लिया जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो गया ठीक है मुझे निकालना क्या है इज स्पीड ऑफ ट्रेन है इज द स्पीड ऑफ ट्रेन है इसका मतलब ये इक्वेशन दोगी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो देखो ये स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ है कैंसिल होगी अगर मैं इनको ऐड करता हूं, तो कितना बचा फोर बाय स्पीड ऑफ बी माइनस वन अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू मैंने ऐड किया दोनों को ध्यान रखिएगा मैंने ऐड किया इनको तो वन बाय नाइन हंड्रेड प्लस वन बाय सिक्स हंड्रेड ये कितना आ गया मेरे पास अट्ठारह सौ अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ कितना आएगा दो प्लस तीन पाँच से कटेगा वन बाय थ्री सिक्सटी ठीक है और ये कितना बचा वन अपॉन थ्री टाइम्स स्पीड ऑफ बी टू वन बाई थ्री सिक्स ऐसे स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई एक सौ बीस आ गई डायरेक्टली करना सीखिए कैसे करना मुझे ठीक है स्पीड ऑफ बी आ गई यहाँ पुट कर दो जरा तो वन अपॉन स्पीड ऑफ इक्वल टू वन बाई सिक्स हंड्रेड प्लस वन बाय वन ट्वेंटी के सो लीजिए जरा एलसीय जाइए ध्यान भी लेते हैं देखो वन अपॉन स्पीड ऑफ एक्ल टू ऐसा लीजिए एल्सम वन प्लस फाइव तो ये कितना आ गया एक बटा तो स्पीड ऑफ ए कितनी आ ऑप्शन नंबर थी वन हंड्रेड ये पूछा अभी तो मुझसे पूछा ही नहीं देख? भाई ऐसे क्वेश्चंस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए चैनल ध्यान रखिए मेरी बात जल्दी से नोट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा मैं चलिए आई थिंक अंतिम प्रश्न ही होगा अ ट्रेन किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड फाइव किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेक वन आवर लेस फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इजी क्वेश्चन है करिए वो कह रहे पहले आप किसी स्पीड से चल रहे हो ठीक है डेफिनेटली तो मतलब वो कह रहा है टाइम कंडीशन टू माइनस टाइम कंडीशन वन कितना है वन आवर यानी पहली कंडीशन में ज़्यादा टाइम था दूसरी में क्या हो गया स्पीड बढ़ गई बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ पहली कंडीशन के लिए स्पीड मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर है तो कितना हो गया थ्री सिक्सटी अपॉन एक्स थ्री सिक्सटी एक्स प्लस फाइव स्पीड ऑफ दी ट्रेन आप पुट भी करके देख सकते हो बट मैं आपको एक बार इक्वेशन से भी करा दूं पहले एक बार इनपुट करके बता दिया देखो अगर 360 आप लेते हो कॉमन है ये कितना आएगा एलसीएम आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव ये कितना आ गया एक्स प्लस फाइव माइनस ऑफ एक्स क्लियर देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया थ्री सिक्स टू फाइव अठारह सौ चलो ये जाएगा यहाँ क्या बनेगा एक्स फाइव ये क्या बना मेरे पास 5x फाइव एक्स माइनस अठारह सौ जीरो तो कितना बना एक्स केयर प्लस पैंतालीस एक्स पैंतालीस एक्स माइनस अठारह सौ एक्स इंटू प्लस फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी प्लस फोर्टी फाइव इजिकल टू तो रहा। एक्स प्लस 45, तो x तो तो कितना आ गया मेरा। अगर आपको वैसे समझ आए तो वैसे कर कर लो फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं क्लियर क्लियर तो भाई प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल और आपके पास जो तीसरा और फाइनल लिंक है वो पता किस चीज़ का मिलेगा आपको <coughs> वो मिलेगा माइक्रो कोर्सेज का अरे भाई माइक्रो कोर्स नहीं पता नहीं सच्ची उच्ची नहीं पता तो मैं बताऊंगा भाई क्यों चिंता कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों मैं आपको सब बताऊंगा चिंता मत करो बट पढ़ लो भाई पढ़ लो ना मात्र में सौ दो सौ रुपये में आपको चैप्टर मिल जाऊँ माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरा मुझे कोर्स नहीं खरीद सपोज करो छह चैप्टर टोटल है चार मुझे आते हैं तो भाई मैं चार के पैसे क्यों मैं दो के पैसे दूंगा समझ आ गई बात तो आपने इतना ही करना है बस जैसे माइक्रो कोर्सेज हैं अब कैसे है मैं बता देता हूँ इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको इजीली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो है ना सिविल सर्विसेज देखिए जरा ऑल सब्सक्रिप्शन देखिए यहाँ पे आप अपना दस दिन का मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे सिर्फ आपने कॉल में व्हाट्सएप करना है और यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं देखिए यहाँ पर पॉपअप आएगा यहाँ पे भी आप कर सकते हैं जॉइन ठीक है यहाँ करेंगे तो डायरेक्ट इंक्वायरी मेरे पास आ जाएगी मैं अपने आप कॉल या मैसेज के थ्रू आपसे बात करना स्टार्ट करूँगा और आप कॉल भी कर सकते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले मैं तो कॉल कीजिए मैं आपकी यहाँ पे अपना कॉलिंग और व्हाट्सएप का चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन आपके पास मैथ एल मेंटल एबिलिटी की बात करें जैसे प्रॉफिट लॉस की बात करूँ या मैं बेसिकली नंबर सिस्टम की बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की बात बाद में करूँगा जैसे पूरा बंडल चौंतीस छत्तीस का थर्टी फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स बट आपको सिर्फ नंबर सिस्टम लेना है तो नंबर सिस्टम लीजिए तीन सौ चौबीस

छह मिनट का ट्रायल है इसको भी आप जरूर लीजिए इसका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है पसंद है तो लीजिए अदरवाइज कोई बात नहीं थी, ठीक है छह मिनट तो आप देख ही सकते हैं जैसे परसेंटेज होगा कॉम्बिनेशन टाइम एंड डिस्टेंस ये सब चैप्टर्स आपके यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्लियर नेक्स्ट जैसे मैं बात करता हूँ आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड रीजन एटिकिटी जैसे छब्बीस छियालीस रुपए का पूरा जैसे पजल टेस्ट आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर हर साल क्वेश्चन आ रहा है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया डायरेक्ट सेंस आ गया डायरेक्शन सेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले सालों में

हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते कि भैया आपको यूपीएससी में क्रैक करना है रैंक लेके आओ जब मजा आएगा बहुत बढ़िया सीट मिलेगी फिर अच्छा लगेगा फिर तो यहां पे आइए और अपना सपना साकार कीजिए प्लीज छोटी छोटी से थोटी इनो इन बच्चों बस मुझे खासकर कुछ बच्चे इसीलिए पसंद है वैसे सारे अच्छे हैं कुछ एक बच्चों ने क्या किया उन्होंने एक एक चीज को ऐसे पिरोया जैसे मोती माला कि कुछ भी नहीं छोड़ना है सबको एक बेटे सर सी सेट में भी सर सी क्लियर हो गया तरीके से करेंगे ठीक है भाई ऐसे कर लो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे इन्होंने अपने आप निकाल लिया मैंने सिर्फ गाइड किया या हमारी पूरी टीम ने गाइड किया इन्होंने सी सैट को भी उतनी प्रेफरेंस दी है या रेफरेंस दी जितनी बाकी जी या किसी भी टॉपिक को बट इन्होंने टाइम की मैनेजमेंट बहुत अच्छी की खासकर टाइम मैनेजमेंट को लेकर सब बच्चे बड़े सीरियस थे क्लियर आप भी वो सब करिए और इन बच्चों ने जो सुनहरा एक्शोर में लिखा है ना तो इन्होंने मोती पिरों याद मोतियों को देखिए काम आएंगे आपको क्लियर चलिए थैंक यू प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब द चैनल और आपके कोर्स का लिंक आपके माइक्रो कोर्सेज का लिंक और आपका व्हाट्सएप uh, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया प्लीज ज्वाइन कीजिए थैंक यू